हेलो एवरी वन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आई ए एस एंड स्टूडेंट्स आई एम सोनप्रिया जिन लोगों को नहीं पता जो नए लोग हैं उनके लिए आ, मैं आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्सट बुक के प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए दिस इज़ माई टेलीग्राम आई डी सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक आप इसे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे आपको सारे जितने भी अपने लेक्चर्स होते हैं उनका लिंक मिल जाएगा करंट अफेयर्स के सेशन का लिंक यूपीएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट है यू विल गेट लिंक टू एवरी वन हियर ठीक है यू विल गेट लिंक टू सो अभी तक पिछले दो क्लासेस के अंदर हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो हैं सामाजिक धार्मिक सुधारक उनके अंदर राजा राममोहन रॉय जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है फादर ऑफ रेनिसा इन इंडिया भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है उनके बारे में पढ़ा और दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कल ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनका एजुकेशन को लेकर के फीमेल्स को लेकर के जो उन्होंने एफर्ट्स डाले समाज को सुधारने के लिए उसके बारे में हमने अपना जो पोर्शन है वो कवर अप किया बच्चों जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो पोर्शन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है चाहे आप प्रिलिम्स देख लीजिए मेंस देख लीजिए आप अपना एस देख लीजिए या फिर आप अपना एथिक्स का पेपर देख लीजिए इन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज और इनके द्वारा किए गए काम को आप कहीं ना कहीं पे कोट कर सकते हैं दिस विल हेल्प यू राइट दिस विल हेल्प यू आज हम ऐसे ही एक और सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर जो हैं महात्मा ज्योतिबा फुले उनके बारे में जानेंगे सो so बच्चों आप लोग जानते हैं कि नाइनटीन सेंचुरी का जो पीरियड है उसे कल भी मैंने आपको कहा था उसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की सेंचुरी कहते हैं इंडिया के अंदर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स की सेंचुरी और नाइन सेंचुरी एक ऐसा पीरियड था जब इंडिया के अंदर दो विचारधाराओं के बीच में एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा था एक था ट्रेडिशन परंपरा और दूसरा था आधुनिकरण या मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न वैल्यूज मॉडर्न सिस्टम इन दोनों के बीच में क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा था एंड इसी टाइम पे नाइनटीन सेंचुरी में महात्मा ज्योतिबा फुले जो है इनका बर्थ होता है महाराष्ट्र के अंदर जैसा कि हम बाकी जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स है उनके पीरियड में भी देखते आए हैं हमने देखा कि कैसे जो उस टाइम का समाज है है ना उस टाइम का जो समाज है उसे अगर हम क्लोजली देखें तो कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी है है ना जात पात को लेकर के समाज का जो बंटवारा हो चुका था वो देख लीजिए अनटचेबल्स या किसी कास्ट को आपने अस्पृश्य का दर्जा दे दिया था केवल आप किसी कास्ट में पर्टिकुलर कास्ट में बर्थ हुए हैं उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे जो राइट्स हैं, वो डिनाय कर दिए जाते थे वो अधिकार आपको नहीं मिलते थे वुमेन की कंडीशन की अगर हम बात करें तो बचपन से लेकर के मरने तक उनकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी जिनका कुछ हिस्सा हम आज तक देख सकते हैं जब हम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हैं राइट सो नाइनटीन सेंचुरी में अगर हम देखें तो कंडीशन काफी खराब थी चाहे फिर वो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हो गया है ना बच्चों को पैदा होते से मार दिया जाता था स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड है उसको या फिर उसके बाद में चाइल्ड मैरिज बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी या उसके बाद में उनको एजुकेशन वगैरह नहीं दिया जाता था विडोहुड में बहुत सारी महिलाएं जो है उनके बचपन में ही शादी हो जाती थी और बचपन में शादी होती थी अपने से बहुत ज्यादा बड़े उम्र के पुरुष के साथ में सो दे वर मैरिड टू मैन देम और उससे क्या होता था उससे उनके हस्बैंड की डेथ पे वो विडो बन जाती थी उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट right नहीं था वो पढ़ी लिखी नहीं थी उनको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था तो वो बाकी मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती थी और उनकी कंडीशंस काफी खराब थी हमने देखा बंगाल के अंदर भी उनको अपना हेड शेव करना पड़ता था वाइट साड़ी पहनो सबके लिए बस काम करते रहो एक स्लेव बन के रह जाओ कुछ वैसी ही कंडीशन महाराष्ट्र के अंदर भी थी जहां पे ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ वहां पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी महिलाओं की सो so, बेसिकली कास्ट सिस्टम स्पेशली द प्रॉब्लम ऑफ अंटचेबिलिटी एंडल इन सोसाइटी। अगर हम रिलीजियस तौर पे देखें तो हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणवाद जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय था और इसके वजह से बाकी जो कास्ट है, है ना, उनको शुद, शुद्ध शुद्र, ये दर्जा दे दिया जाता था क्योंकि आप तभी तो ऊपर उठेंगे जब आप किसी और को थोड़ा नीचे दिखाएंगे ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण ये कर रहे थे बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे थे जो ज्योतिबा हैं, राजा राममोहन रॉय हैं, इन लोगों को भी सपोर्ट कर रहे थे वो जानते थे कि ये हमारे समाज की दिक्कत है ऐसे परिवेश के अंदर ऐसे इनवायरमेंट के अंदर ज्योतिबा फुले जो है उनका बर्थ होता है ज्योतिबा फुले इनमें से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं और जब वो ये सब कुछ खुद बहुत क्लोजली देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि इसको बदलने का समय आ गया है और फिर वहां पे उनको एक बहुत ही कॉमन बात जो आजकल हम कहते हैं कि अगर आपको किसी समाज के अंदर कोई परिवर्तन लाना है तो वहां के लोगो, लोगों को एजुकेट कर दीजिए वहां के लोगों को आप शिक्षित कर दीजिए यहाँ पे मेरा मतलब लिटरेसी से नहीं है मतलब लोग जो है उनको जा, जानकारी हो अपने आसपास की वो करिए तो ज्योतिबा फुले ने क्या रियलाइज किया ज्योतिबा फुले ने रियलाइज किया कि अगर कोई करने का, है ना, कोई करने का रूट है तो वो है शिक्षा उन्होंने कहा महिलाओं को शिक्षा देते हैं जो पिछड़े जाति के लोग है उनको शिक्षा देते हैं जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं उनको शिक्षा देते हैं शिक्षा से ना केवल इन सबका होगा, इन सबका सशक्तिकरण होगा, साथ साथ होगा इनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा और ये खुद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे समाज को पिछड़ेपन की तरफ लेके जाए सो फॉर ज्योतिबा फुले द क्योर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी लाइड इन द एजुकेशन So, आप ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने जो काम किया उसको जनरली देखोगे कि अगेंस्ट जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो एविल्स हैं जाति प्रथा की जो बुराइयां हैं उसके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए स्पेशली वुमेन की जो पुअर कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए है ना वुमेन की जो कंडीशन है उसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने काम किया और साथ ही साथ में एजुकेशन के अंदर उनका बहुत ज्यादा एफर्ट रहा और यहां पे एक बात को मैं शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी आपको उनकी जो धर्म पत्नी है सावित्रीबाई फुले जी वो इन सब सोशियो रिलीजियस एफर्ट्स के अंदर उनकी परछाई की तरह उनके साथ थी ज्योतिबा फुले हर काम में सावित्रीबाई फुले को अपने साथ रखते थे और वो जेंडर इक्वालिटी का है ना जेंडर इक्वालिटी का बाकी इक्वालिटीज के साथ-साथ में एक बेस्ट एग्जांपल ये कपल था 19th सेंचुरी में कहा जाता है गांधी और अंबेडकर से पहले एक ऐसे समाज सुधारक जो हमारे यहां हुए और जो समय से बहुत आगे थे वो ज्योतिबा फुले थे सो आई थिंक दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योतिबा फुले ठीक है लेट मी गो थ्रू योर कमेंट्स वंस अच्छा कौन कौन आ गया है मुझे फटाफट से अपना नाम लिख के बता दीजिए चैट बॉक्स में और गिव मी थम्स अप फटाफट से चैट चे, बॉक्स में अपनी, अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल रानू सबको पढ़ने का अधिकार है रानू मॉन्डल को भी है ओके सो so... चलिए थैंक यू सो मच एवरी वन एंड बच्चों हम लोग आगे पढ़े और मैं आपको पूरा ज्योतिबा फुले के जो एफर्ट्स रहे है ना तो अपनी क्लास का प्रोग्राम कैसे रहेगा मैं आपको इनकी पूरी स्टोरी बताऊंगी और इस तरीके से बताऊंगी पूरा लिंक करके कि आपको याद रहेगा कि इन्होंने ये काम क्यों किया और कौन कौन सा काम किया तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे एक बार जब हम लोग इनके बारे में सब पढ़ लेंगे तो आई हैव सिक्स और सेवन क्वेश्चन फॉर यू जिसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयरस के भी हैं वी विल सॉल्व दो क्वेश्चन ठीक है वी विल सॉल्व सम ऑफ दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों सुपर कोचिंग का हमारा कोर्स है और इस सब्सक्रिप्शन पैकेज के अंदर हम लोग आपको जनरल स्टडीज आपका एनसीआरटी इंक्लूडेड ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका आपका सी सेट है आपके मेंस की टेस्ट सीरीज है है ना प्रैक्टिस के लिए विद लाइव क्लास के अंदर फीडबैक प्लस आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स सब कुछ हम आपका कवर करवा रहे हैं जितनी भी आपकी नीड्स हैं वीडियो कोर्सेज के साथ साथ में आपकी लाइव क्लासेस होती हैं रिविजन डाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर राइटिंग एवरीथिंग मॉक टेस्ट है स्टडी नोट्स हैं सब कुछ है आपके लिए क्लासेज बाइलिंगवली होती हैं लेट मी बी वेरी क्लियर बट स्टडी नोट्स जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है प्लेटफॉर्म के ऊपर देर आर मेनी ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए एंड बच्चों क्लासेस जो हैं लाइव क्लासेस क्लासेस उनके अलावा जो रिकॉर्डेड हैं वो सारी दिल्ली के बेस्ट ऑफ द कोचिंग आई एस है आजाद आई एस अकेडमी है इन सबके कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सुपर कोचिंग ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो भी आप में से लोग हमारी क्लासेस को आ, या हमारे सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करते हैं पैकेज लेते हैं

कंप्लीट जो टाइम टेबल है वो आपके लिए वहां पे प्रिपेयर करके रख दिया है जैसे मान लो वीक के हमने आ, बीस घंटे रखे एक हफ्ते के बीस घंटे पढ़ने के तो उसके हिसाब से फिफ्टी थ्री वीक्स में आप कैसे कंप्लीटली अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं सो पूरा फिफ्टी थ्री वीक्स का एक टाइम टेबल आपको बना के दिया है यूनिफॉर्मली टाइम को डिवाइड करके सो हमने आपके लिए ये सारा काम जो है वो सॉल्व कर दिया है वहाँ पे यू कैन गो थ्रू इट आप सुपर कोचिंग के पेज पर पे जाएंगे तभी भी आपको वो कॉलम दिखाई देगा लाइव क्लासेस हम सारी फैकल्टीज की आपको होती है चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि राहुल शर्मा सर की इकोनॉमिक्स की क्लास अनिरुद सर की करंट अफेयर्स की क्लास किंजल सर की ज्योग्राफी की क्लासेस करंट अफेयर्स के वीडियोस दोनों सर के आपके uh, मेरे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स हैं यू विल गेट ऑल दिस ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो है ना यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस है एटलीस्ट यू विल गेट दैट ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दो बच्चों अगर मैं अपनी क्लास का टाइमिंग का बात करूँ तो एक क्लास आपकी डेढ़ बजे होती है बुक की ऐप पे छह से साढ़े छह बजे की ऐप पे 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 और एक होती है शाम को तो पी टू से फीस की अगर हम बात करें तो वैसे थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज पर ईयर है पूरे साल की फीस से सब कुछ इंक्लूड करके ऑप्शनल वगैरह आंसर राइटिंग सब कुछ बट आप अगर कूपन कोड यूज करोगे तो यू विल गेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ यू विल गेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ किसी को कोई डाउट है यहाँ पे बिल्कुल सागर जब हम एजुकेशन कहते हैं ना जब हम एजुकेशन कहते हैं ना तो उसका मतलब यही होता है है ना एजुकेशन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि जैसे आप सोचते हो कि केवल किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है ना एजुकेशन का मतलब होता है आपको चीजें समझ आती हैं आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो आप चीजों का पॉजिटिव नेगेटिव है ना हर तरीके से उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से आप उसको विजुअलाइज कर पाते हो उस इंसान को कहते हैं कि एजुकेटेड इंसान है उस इंसान को हम कहते हैं कि ये एजुकेटेड इंसान है है ना तो यस बिल्कुल आपको शिक्षित होने के साथ साथ समाज का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी होता है वो आपके एजुकेशन का हिस्सा होता है बिल्कुल सार्वभौमिक ज्ञान यस Uh, हाँ राशिद पेड बैच के अंदर सीसेट है ठीक है मैथ्स वाला पोर्शन भी है आपका सिविल सर्विस शुरू करते हैं यहाँ पे ठीक है शुरू करते हैं एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट शेयर इट अभी जितने भी स्टडी प्लेटफॉर्म से फटाफट शेयर कर दो मैं भी टेलीग्राम पे लिंक डाल देती हूँ और फिर हम शुरू करते हैं जस्ट अ मिनट चलो सो so, बच्चों देखो सिंपल सिंपल सी बात करते हैं ठीक है so, सो महात्मा ज्योतिराव फुले या जिनको हम महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं उनका बचपन का नाम था ज्योतिराव, ठीक है ज्योतिराव गोविंदराव गोविंद राव फुले ऐसा क्यों क्योंकि महात्मा फुले जो हैं इनका बर्थ महाराष्ट्र के सतारा में हुआ 1827 ट्वेंटी अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के सतारा में गोविंद राव जो है उनके यहाँ पे ज्योतिराव फुले का बर्थ होता है इनकी मदर का नाम चिन्माबाई था कहानी कुछ ऐसी है कि आप सोचिए आप विजुअलाइज कीजिए मेरे साथ स्टोरी को पूरा महाराष्ट्र का वो वाला इन्वायरमेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया है कास्ट सिस्टम को लेके वूमेन कंडीशन को लेके अनटचेबल्स को लेके एजुकेशन को लेके और साथ में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है ऐसे में एक छोटे से माली परिवार के अंदर जो आपकी गार्डनर कास्ट होती है है ना एक जो माली कास्ट है उसके अंदर एक छोटा सा घर है गोविंद राव का और चिन्माबाई का वहां पे इलेवेंथ अप्रैल 1827 को बर्थ होता है ज्योतिराव का जिनका पूरा नाम होता है ज्योति राव गोविंद राव फुले क्योंकि इनके पिताजी का नाम गोविंद राव था और मदर का नाम चिन्माबाई था होता क्या है ज्योतिराव बहुत छोटे थे नौ महीने के और उसी टाइम पे इनकी मदर की डेथ हो जाती है इनका जो पालन पोषण है वो इनकी एक फॉस्टर मदर की तरह है वो इनका पालन पोषण करती हैं जब ज्योतिराव फुले छः महीने के होते हैं छः साल के होते हैं सॉरी तो फिर उनको गांव की जो स्कूल है उसके अंदर दाखिल करवाया जाता है फैमिली मीनवाइल फ्लावर का जो बिजनेस है उसमें लगी हुई होती है ठीक है तो इनकी फैमिली जो है वो फ्लावर का जो बिजनेस है उसमें थी ज्योतिराव पुले जाते हैं एजुकेशन के, के लिए गांव के स्कूल में पढ़ते हैं काफ़ी तेज होते हैं पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट भी होता है बट उन दिनों आप जानते हैं पढ़ाई जो है हायर लेवल तक की पढ़ाई बहुत कम लोग पढ़ पाते थे ज्योतिराव फुले जो हैं उनको भी थोड़ा साल पढ़ने के बाद में जहाँ पे बेसिकली उन्होंने रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक, बेसिक बेसिक सीखा फाउंडेशन लर्निंग जो हम कहते हैं उसके बाद में इनको पढ़ाई छोड़ करके अपने पिता को साथ में खेत में काम करना उनका हाथ बटाना ये सब करना पड़ा तेरा साल के थे है ना 1840 की बात है थर्टीन ईयर्स ओल्ड और उनकी शादी जो है वो सावित्रीबाई फुले के साथ हो जाती है अब ऐसे में क्या है कि भले ही ज्योतिराव जो है उनकी पढ़ाई छूट चुकी थी बट उनका जो इंटरेस्ट है वो नहीं जा रहा था तो अक्सर वो अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ में बैठ करके डिफरेंट जो मुद्दे हैं उनके ऊपर तर्क वितर्क करते थे डिबेट डिस्कशन करते थे तो उनका एक पड़ोसी था उसने इनके पिता जो हैं गोविंद राव उनको कन्विंस किया कि ही इज अ टैलेंटेड गाय आप ज्योतिराव को पढ़ने दीजिए है ना बहुत कम पड़ोसी ऐसे मिलते हैं बट उनके पड़ोसी अच्छे थे उनके पिता को कन्विंस किया कि ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय आप इनको पढ़ने दो ज्योतिराव फुले को पुणे के अंदर स्कॉटिश मिशनरी स्कूल थी 1841 में वहां पढ़ने के लिए भेज दिया गया वो वहां पढ़ने जाते हैं अपना एजुकेशन कर रहे थे ऐसे में क्या होता है कि एटीन में उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है कहानी मजेदार है ध्यान से सुनिएगा मैं फिर आपके कमेंट्स को देखूंगी ठीक है तब तक आप लिख दीजिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो 1848 में क्या होता है कि उनके एक ब्राह्मण दोस्त की शादी थी और वहां पे ज्योतिराव फुले को बुलाया जाता है वो जाते हैं बट जब दूल्हे के परिवार वालों को यानी उनके दोस्त के परिवार वालों को पता चलता है कि वो माली कास्ट से आते हैं जो एक ओबीसी कास्ट है बेसिकली है ना अदर बैकवर्ड क्लासेस में आता है आजकल तो उनके साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है वो अच्छा नहीं था उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है ज्योतिराव फुले जो है वो वहां से शादी को बीच में छोड़कर ही आ जाते हैं अब बात कुछ ऐसी है कि वो जब स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें सीखी थी और एक इनमें से था बेसिक यूनिवर्सल इक्वालिटी जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं है ना जितने भी इंसान हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में एक बेसिक इक्वालिटी होनी चाहिए समानता होनी चाहिए मानवता होनी चाहिए सो so, उन्होंने अपने एजुकेशन के दौरान इक्वालिटी का पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था जो उन्होंने लाइफ में हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया वाइफ के साथ में जो उनका रिलेशनशिप था वो जेंडर इक्वालिटी का आज बेस्ट एग्जाम्पल है नाइनटीन सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम उस टाइम पर भी वो अपनी पत्नी को हमेशा अपने साथ में लेके चलते थे हर डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करते थे साथ ही साथ में उन्होंने थॉमस पाइने जो है उनकी एक किताब पढ़ी थी थॉमस पाइने आपको याद होगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पे मैंने बताया था द राइट्स ऑफ मैन पढ़ी थी उन्होंने और वहां से उन्होंने सीखा था कि ह्यूमन बींग होने के नाते हम सबके कुछ नेचुरल राइट्स हैं कुछ मौलिक अधिकार हैं और वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता तो अपना ये जो एजुकेशन रहा थोमस पाइने की ये बुक का उनके लाइफ में जो इंफ्लुएंस रहा इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपनी आइडियोलॉजी कुछ विचारधारा जो है वो शेप कर ली थी अपनी और इसके अंदर अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो ह्यूमैनिज्म मानवता लिबर्टी सबको एक बेसिक स्वाधीनता होनी चाहिए है ना समानता होनी चाहिए स्वाधीनता होनी चाहिए इक्वेलिटी की बात करते थे वो तो मानवता स्वाधीनता आपका समानता ज्योतिबा फुले के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था ये सब हो रहा है 1848 का ये जो इंसिडेंट महात्मा फुले के साथ हुआ ये सेम वैसा ही था जैसा गांधी जी के साथ में साउथ अफ्रीका में है ना उनके रंग को लेकर के हुआ था अगर आपको इंसिडेंट याद हो तो वो ट्रेवल कर रहे थे ज्योतिबा फुले के साथ जब इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने सोच लिया कि कास्ट के नाम पे जेंडर के नाम पे ये जो इनिक्वालिटी है समाज के अंदर अगर इसको मुझे खत्म करना है तो समाज में पहले जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से मुझे खत्म करना होगा और उन्होंने कहा कि वुमेन की पोजीशन में कास्ट बेस्ड जो इनक्वालिटी हमारी सोसाइटी में उसको खत्म करने के लिए एजुकेशन जो है वो मुझे हेल्प करेगी मेरी समाज में जो बुराइयां हैं उनसे डील करने में और यहां पे आप देखोगे उनका जो रुख है वो एजुकेशन की तरफ हो जाता है अब यहां से वो एफर्ट्स लेना शुरू करेंगे यहां तक किसी को कोई डाउट है कहानी में एनी doubts here? समझ में आ रहा है ना लिंक बन रही है आपकी अभी तक सब समझ में आया ना फटाफट फड़ से बता दीजिए ठीक है चलिए सो so, आगे देखते हैं अब क्या हुआ 1848 का ये इंसिडेंट हुआ और उन्होंने तो सोच लिया कि एजुकेशन ही इसका सोल्यूशन है अब उन्होंने क्या किया अपनी वाइफ के साथ में मिलकर सोचा कि मैं फीमेल एजुकेशन जो है महिलाओं की स्थिति अगर मुझे सही करनी है तो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना होगा ऐसे ही जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है अगर उनका मुझे उद्धार करना है उनका अपलिफ्टमेंट करना है उनका एम्पावरमेंट करना है प्लानिंग शुरू होती है बहुत सारे लोग उनको अपोज भी करते हैं बट फिर उनको टीचर नहीं मिल रही थी अपनी फीमेल स्कूल के लिए वो फीमेल स्कूल खोलने की प्लानिंग करते हैं बट उनको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी यहाँ पे तो फिर उन्होंने क्या किया फीमेल टीचर न मिलने की वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाना शुरू किया उनको पढ़ा लिखा के तैयार किया और उन दोनों के एफर्ट से उन्होंने अपनी फर्स्ट स्कूल जो है वो पुणे के अंदर स्टार्ट की 1851 में। बच्चों 1851 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो हैं उनके द्वारा ये जो स्कूल खोली गई थी ये पहली ध्यान से सुनिएगा ये पहली इंडिजिनस ऑल फीमेल स्कूल थी भारत की इंडिजिनस मतलब खुद किसी इंडियन के द्वारा शुरू की गई हो खुद किसी इंडियन के द्वारा शुरू की गई ऑल फीमेल स्कूल जो है वो पहली पुणे में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के द्वारा शुरू की गई 1852 के आते आते वो दो और स्कूल खोल चुके थे यानी फीमेल एजुकेशन को डेडिकेटेड तीन स्कूल वो पुणे में खोल चुके थे और एक स्कूल जो है उन्होंने खोली जो शुद्र अतिशुद्र माने जाते थे है ना जो शुद्र और अतिशुद्र माने जाते थे महाराष्ट्र के अंदर महार कम्युनिटी जिससे अंबेडकर आते थे महार कम्युनिटी एम ए एच ए आर महार कम्युनिटी जिससे अंबेडकर आते थे उन लोगों की पढ़ाई के लिए अब जैसा कि उन दिनों नॉर्मल था उनका सोशल बॉयकॉट उनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया बट जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी स्कूल्स जो है उससे बंद नहीं किया वो अपने एफर्ट्स जो है उसको कंटिन्यू करते रहे बट अनफॉर्चुनेटली 1857 के रिवोल्ट के बाद में उनको जितना भी दान दक्षिणा मिल रहा था मिशनरी हेल्प मिल रही थी वो सब बंद हो गए और उनके स्कूल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके बंद होने लगी क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं थे ज्यादा ठीक है अब ज्योतिबा फुले ने एक और चीज नोटिस की सोसाइटी के अंदर ठीक है ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने सोसाइटी के अंदर एक और चीज नोटिस की और वो क्या था

हमारे यहां पे समाज में उसको रीमैरिज का राइट नहीं था उस टाइम पे तो फिर ये बेचारी दर दर भटकती फिरती थी इनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए भी ज्योतिबा फुले ने कुछ स्टेप्स लिए और इन स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि मैं एक विडो होम बनाऊंगा यंग विडो होम यंग विडोज जो हैं सॉरी यंग विडोज जो हैं है ना जो बहुत ही ज्यादा छोटी हैं उम्र में विधवा हो गई हैं उनके लिए एक घर बनाया जाए मोस्टली इसका पर्पस होता था बहुत सारी जो यंग विडोज होती थी अगर वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो उनकी फैमिली पे लायबिलिटी बन जाती थी तो या तो उनके बच्चे को मार दिया जाता था होते से तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा चलो ये जो विडोज की कंडीशन इतनी खराब है है ना उनको घर के अंदर कोई इज्जत नहीं मिलती है बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई हैं पुनर्विवाह का हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं था सोशल कस्टम्स उसको प्रोहिबिट करते थे और ऐसी कंडीशन में अगर ये प्रेग्नेंट है तो इसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती थी कुछ उनको स्किल्स होती नहीं थी घर के काम के अलावा कुछ आता नहीं था पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं होता था ऊपर से उनके ऊपर अत्याचार होता था अपना हेड शेव कर दो है ना अपना हेड शेव कर दो वाइट कपड़ा पहनो सो काफी खराब कंडीशन थी तो उन्होंने कहा कि एक यंग विडोज के लिए मैं एक होम बनाऊंगा जहां पे जिनके लिए कोई जगह नहीं है वो यहां पे आके सेफ सिक्योर तरीके से रह सके और इसके बाद में इन्होंने एक ऑर्फेनेज भी खोला एक ऑर्फेनेज जो है वो भी खोला और इस ऑर्फेनेज में क्या किया जाता था इस ऑर्फेनेज के अंदर अगर कोई यंग विडो है प्रेग्नेंट है और उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ के बाद में उसका जैसे कि बच्चा हुआ है तो उनके लिए ज्योतिराव फुले ने ये ऑर्फेनेज बनाया था माना जाता है ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्फेनेज था 1863 में पूना के अंदर खोला गया ठीक है so उन्होंने क्या क्या किया है उन्होंने यंग के लिए एक होम खोला है, उन्होंने ऑर्फनेज खोला है बच्चों के लिए और साथ ही साथ में अपने एक बहुत ही घनिष्ठ दोस्त के साथ मिलके सदाशिव बल्लाल, गोवंदे और सावित्रीबाई बाई फूले तो उनकी परछाई थी ही इनके साथ में मिलके इन्होंने एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी खोला हमारे यहाँ पे स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती थी है ना वो जब एक साल की हैं उससे कम उम्र की हैं तो उनको मार दिया जाता था क्योंकि उनको एक बर्डन समझा जाता था सोसाइटी में सो so, एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी खोला तो आप देख रहे हो सारा काम एकदम ऐसे एक सिंक में हो रहा है कि भाई विडोज की कंडीशन बहुत खराब है तो उनके लिए एक घर बनाया जाए अगर ये विडो प्रेग्नेंट भी है साथ में तो इसके लिए इनके बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज खोल दिया जाए अगर वो अपने बच्चे को आपको, तो आप आपको जरूरत नहीं है हम इस ऑर्फेनेज में उसको रख लेंगे और ज्योतिबा फुले ने अब एक्टिवली है ना अब एक्टिवली ज्योतिबा फुले ने विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया विधवा पुनर्विवाह का आप जानते हैं उन दिनों ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इस पे काम कर रहे थे हमने कहा था आपको कल तेल, जो तेलुगु एरिया है आपका मेड्रास प्रेसिडेंसी का उसके अंदर वीर सलिंगम पंतुल्लु जो है वो काम कर रहे थे महारिषि कार्वे महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे थे जहां पे उन्होंने विडो होम बनाया था सो so, आप देखो कि ये 1850s वाला वो टाइम है जब विडो रीमैरिज के लिए विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं वो काम कर रहे थे जिसमें से ज्योतिबा फुले भी एक थे सो so, उन्होंने विडोज के लिए ये भी किया कास्ट सिस्टम की बात करते हैं इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चों कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे एनी प्रॉब्लम और हेयर फटाफट बता दीजिए फिर कवर करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्लियर है ना सो so, आपको ये तीन चार चीजें याद रखनी है बच्चों ये एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे वो लोग पूछते हैं ठीक है एक होम विडो होम शुरू किया है एक फर्स्ट ऑर्फनेज जो कहते हैं वो शुरू किया है इन्फेंटिसाइड को रोकने के लिए और साथ ही में उन्होंने एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी खोला है सदाशिव बल्लाल गोवंदे के साथ मिलकर सो so ये आपको उनका जो एफर्ट्स है विडोज के लिए स्पेशली प्लस बच्चों के लिए ये आपको याद रखना है एजुकेशन का मैंने आपको बताया कैसे वो कहते थे कि अगर लड़कियां पढ़ लेगी तो उनकी चाइल्ड मैरिज भी नहीं होगी

उसको एक्सेस नहीं करने दिया जाता था रोड्स वगैरह का यूज करने पे बहुत सारे प्रतिबंध होते थे स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर बहुत अजीब अजीब सी प्रथाएं थी जैसे कि मैंने अपनी ही एक दोस्त से ऐसे बात करते हुए सुना था शी बिलोंग टू द सेम विलेज जहां से अन्ना हजारे हैं महाराष्ट्र में और उस गांव के अंदर क्या होता था कि जो अनटचेबल्स हैं वो अपने पास में गले के अंदर एक मटका लेके चलते हैं वो लोग सड़क पे थूकते भी नहीं है दे डू नॉट स्पिट ऑन द रोड वो उस पॉट के अंदर स्पिट करते हैं क्योंकि लगता है कि अगर वो रोड पे थूक देंगे तो पूरा सब कुछ पॉल्यूट हो जाएगा अब यहां पे आप कुछ प्रैक्टिसेस को देख सकते हो यहां पे। मैंने आपको क्या बोला कि उनकी छाया भी किसी पे नहीं पड़नी चाहिए इतना गंदा सिस्टम था वो जब गाँव के अंदर एंट्री करते थे तो तेज तेज से आवाज देते हुए आते थे ताकि लोग अपने घरों के अंदर चले जाएं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे एक प्रैक्टिस को मैंने हाईलाइट किया है वो अपने पीछे एक झाड़ू ब्रूम जो है उसको लेके चलते थे ताकि वो जहां जहां चल रहे हैं वो अपने आप साफ होता जाए उनके जो अनटचेबल्स की वुमेन होती थी उनको सबके सामने नेकेड डांस करने के लिए फोर्स किया जाता था सो so, ये पूरा सिस्टम था इस तरीके का आप जानते हो आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी की बात की गई आर्टिकल 15 के अंदर बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसको आप एक्सेस करने पे रोक नहीं सकते हो है ना ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट है सेक्स है प्लेस ऑफ बर्थ है इसके बेसिस पे आप जेंडर के बेसिस पे आप नहीं रोक सकते हो सो so, इसकी कुछ हिस्ट्री रही है इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी आर्टिकल फिफ्टीन की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि हमारे समाज में ये थी आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी और ये जो कास्ट सिस्टम के अंदर है अगर मैं ज्योतिबा फुले के विचारों की बात करूं तो उन्होंने वेदों को बिल्कुल ठुकरा दिया था वो वेद जो है उनको बिल्कुल नहीं मानते थे क्योंकि उनका कहना था जिन किताबों के अंदर ब्राह्मणिक सुप्रीमेसी की बात की गई है है ना वो सब कुछ छल कपट है वो फिरकी ले रहे हैं रॉन्ग नंबर है आपने देखा होगा है ना पीके के अंदर रॉन्ग नंबर है फिरकी ले रहे हैं वो वाली बात है सीधा सीधा ज्योतिबा फुले मानते थे कि आर्यन जो हैं वो इन्वेडर्स हैं उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया यहाँ के जो लोग थे उनको सप्रेस किया और हमारे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम का कीड़ा है वो कौन लेके आया है वो ये ब्राह्मण लेके आए हैं आर्यंस लेके आए हैं तो वो कहते थे ब्राह्मण जो है वो आर्यंस हैं बाकी जो नॉन ब्राह्मण हैं चाहे फिर वो क्षत्रिय हो गए चाहे वो वैश्य हो गए शुद्ध हो गए अति जिनको सोसाइटी में डिवाइड कर दिया था ऐसे ये सब लोग जो है ये सब इंडिजिनस लोग हैं ये लोग नेटिव है यहाँ के तो ज्योतिबा फुले का कहना था कि ये जो आर्यंस और ब्राह्मण है ये मुस्लिम इन्वेडर्स से कोई ज्यादा अच्छे नहीं है ये दोनों एक बराबर हैं। ये लोग आए और यहां के लोगों का इन्होंने एक्सप्लोइेशन किया है। कास्ट सिस्टम इन्हीं की देन है इंसान को इंसान न रह करके इन्होंने जात पात के नाम पे डिवाइड कर दिया है साथ में ज्योतिबा फुले जो खुद एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल से पढ़े हुए थे वो कहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं क्यों क्योंकि इन्होंने जो पिछड़े लोग हैं जो महिलाएं हैं उनको यह बताया है कि कैसे एक सिस्टेमेटिक तरीके से रिलीजन के नाम पे, धर्म की आड़ में राम के नाम पे आप सबका अत्याचार हो रहा है शोषण हो रहा है यू आर बींग सब्जुकेटेड एंड डिनाइड द बेसिक राइट सो ही यूज टू थैंक द मिशनरीज इन द ब्रिटिश उन्होंने अपनी जो किताब है गुलामगिरी है ना इस किताब के अंदर गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी ये किताब जो अजोतिबा फुले ने लिखी और इस किताब में उन्होंने बोला कि देखो ब्रिटिशर्स जो हैं वी शुड बी थैंकफुल टू देम अगर ये नहीं आते तो हमारे यहाँ पे ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा था कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम वुमेन का सब्जुकेशन ये सब कॉन्टिन्यूड रहता थैंक यू टू दम फॉर इंट्रोड्यूसिंग द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बी आर अंबेडकर कहते हैं कि मैं ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानता हूं ठीक है जो अंबेडकर जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहते हैं वो ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी और अंबेडकर से पहले अनटचेबल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए किसी ने अगर बहुत सही काम किया तो वो ज्योतिबा फुले थे इनफैक्ट दलित जो शब्द आजकल हम यूज करते हैं वो शब्द भी माना जाता है ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने कॉइन किया था दलित का उनका सीधा मतलब था दलित वो लोग हैं जो एक सिस्टेमेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में समाज के द्वारा इतना ज्यादा शोषित हैं कि वो टूट गए हैं वो बिखर गए हैं ठीक है वो टूट गए हैं बिखर गए हैं दो पीपल आउटसाइड द ट्रेडिशनल सिस्टम जिनको अति अतिशुद्र कहकर वर्णा सिस्टम से भी बाहर रखा गया था सो so, दलित का मतलब होता है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इतना सब्जुकेट करो कि दे हैव नो होप दलित शब्द इन्होंने ही क्वाइन किया मैं आपको इनके एजुकेशन का एक और चीज एक इंपॉर्टेंट सी चीज बताती हूँ लेकिन उससे पहले कास्ट सिस्टम को कवर करते हैं बच्चों एटीन सिक्सटी एट में ज्योतिबा फुले ने क्योंकि वो हमारे कास्ट सिस्टम में जो रिजिडिटी है कास्ट के नाम पे जो भेदभाव होता है जो सोसाइटी डिवाइडेड है अनटचेबल्स के साथ में जिस तरीके का इनह्यूमन बिहेवियर होता है उन सबके अगेंस्ट थे अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया 1868 में अपने घर के सामने एक टैंक बनवाया वाटर टैंक और उसको सबको एक्सेस दे दिया वो कहते थे मैं हर जात के इंसान के साथ में खाना खाने को तैयार हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है जिसको पानी चाहिए मेरे टैंक से ले लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सो ही वाज द पर्सन हु वाज लिविंग बाय हिज वर्ड्स जो कह रहे थे वो कर रहे थे जो कह रहे थे वो कर भी रहे थे अपने इन्हीं एफर्ट्स के लिए कास्ट सिस्टम है ना हमारी सो, सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए टू इरेडिकेट द इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम फ्रॉम अवर सोसाइटी उन्होंने सत्य शोधक समाज जो है इसकी नींव रखी 1873 में सो so, पूना के अंदर सत्य शोधक समाज जो है उसकी नींव रखी गई 24 सितंबर 1873 में और इसका काम क्या था इसका काम था जो डिप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के वूमेन शूद्र दलित इन सब का अपलिफ्टमेंट करना इनको इनके अधिकार दिलाना सत्य शोधक ट्रू सीकर्स सोसाइटी ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी और आपको एक मजे की बात बताऊं, ज्योतिबा फुले के इस सत्यशोधक समाज के अंदर ब्राह्मण भी थे मुस्लिम भी थे नॉन ब्राह्मण के साथ साथ में ब्राह्मण और मुस्लिम्स भी थे कुछ मिशनरीज जो हैं, वो भी इसके थे, यानी ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण ज्योतिबा फुले के अगेंस्ट थे दोज द प्रॉब्लम एंडल्स इन दे सपोर्टेड दत्यशोधक समाज ठीक है, सत्य शोधक समाज जो है इसको इसी के लिए बनाया गया था बच्चों एक न्यूजपेपर था दिन बंधु दिन बंधु करके एक न्यूज जो कि मराठी भाषा में पब्लिश किया जाता था एक वीकली न्यूज था यह न्यूज़पेपर जो है यह सत्य शोधक समाज की वॉइस था यह सत्य शोधक समाज जो है उसकी वॉइस था और इस न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर थे वो भी ज्योतिबा फुले जो है उन्हीं के कास्ट से आते थे माली कास्ट से कृष्ण राव नाम था उनका ठीक है कृष्ण राव नाम था और वो ये दिन बंधु न्यूज जो है इसको पब्लिश करते थे और इसके अंदर सत्यशोधक समाज का ये माउथ पीस की तरह काम करता था सो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है इनको याद रखना है बचे इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ज्योतिबा फुले के बारे में तो ज्योतिबा फुले न केवल एक सोशल रिफॉर्मर सोशल थिंकर है ना या सोशल एक्टिविस्ट थे बल्कि साथ ही साथ में वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे वो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है है ना कंस्ट्रक्शन में जो आपके कंक्रीट uh, यूज होते हैं है ना उनको सप्लाई करने का काम भी करते थे जो आपका uh, पूरे का uh, ये है म्युनिसिपैलिटी है उसको एक लंबे समय तक वो कॉन्ट्रैक्टर की तरह भी अपनी सर्विसेज uh, दे रहे थे और बाद में इनको म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर बनाया गया पुणे का 1876 से लेके 1883 के बीच में ज्योतिबा फुले जो हैं वो पुणे के म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर भी रहे सो so आपको इनके बारे में ये लाइफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है 1888 के बाद में उनकी थोड़ी जो तो तबीयत है है ना वो बिगड़ने लगी और 1890 में बेसिकली 1888 में जब उनकी तबीयत खराब होने लगी थी तो वो अब आ, उनको लकवा मार गया था ठीक है उनको लकवा मार गया था वो बेड रिडन हो गए थे और ट्वेंटी एट नवम्बर को महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं उनकी डेथ हो गई अब यहाँ पे उनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ठीक है उनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं रत्न गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक पोवड़ा अगर आपने ये अपने जो पॉपुलर ड्रामाज होते हैं वो पढ़ा होगा तो आपने पोवड़ा पढ़ा होगा कि पोवड़ा के अंदर शिवाजी और उनकी जीवनी से जुड़े हुए जो हीरोइक एक्ट्स हैं वो मराठ मराठीज करते हैं है ना सो पोवड़ा जो है वो छत्रपति शिवाजी राजे भोसले याचा तो पोवड़ा जो ड्रामा है है ना वैसे भी बुक्स उन्होंने पब्लिश की हैं और इसके साथ साथ में उन्होंने एक और बुक पब्लिश की शेतकार याचा आसूद सो विपकोड कुछ उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उन्होंने पब्लिश की हैं ये उनके जो भी व्यू पॉइंट हैं कास्ट सिस्टम को लेके सोसाइटी को लेके वूमेन को लेकर के या मराठी समाज को लेकर के और एक और बात ज्योतिबा फुले जो हैं वो पेजेंट्स और जो लेबर क्लास है उनके राइट्स के लिए बहुत फाइट करते थे ठीक है उनके अधिकारों के लिए भी बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे यहां पे आपका एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देती एंड देन वी विल कंक्लूड दिस। बच्चों, उनके काम को देखते हुए, है ना उनके काम को देखते हुए महाराष्ट्र के ही एक जो सोशल रिफॉर्मर हैं विठल राव कृष्ण जी वांडेकर वीकेवी है ना वीकेवी विठल राव कृष्ण जी वाणेकर उन्होंने उनको महात्मा का टाइटल दिया कि यू आर ग्रेट है ना महाआत्मा यू आर अ ग्रेट पर्सन सो महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं उनको महात्मा का जो टाइटल है वो विठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने दिया था दिस इज ऑल अबाउट ज्योतिबा फुले आई होप आपको समझ में आया होगा कोई डाउट है तो आप लिख दीजिए 1977 में इनको कॉमेमोरेट करने के लिए पोस्टल स्टैम्प है वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। डाउट्स? शुभम मैं है ना तब से आपके कमेंट्स को देख रही हूँ बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ है ना विधवा विवाह का समर्थन करना उनकी ड्यूटी उनका व्यू पॉइंट था है ना जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को समर्थन करते हैं तो आप वो काम जाके जरूर करके दिखाएं आपकी इच्छा भी होती है इट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो पहले कैसा होता तो था विधवा को अलाउड ही नहीं था ये नहीं कह रहे थे ज्योतिबा फुले कि विधवा पुनर्विवाह जो है उसको हम सपोर्ट करते इसलिए हर विधवा की शादी करवा दो ऐसा कोई नहीं कह रहा था वो कह रहे थे कि विधवा को शादी करना पुनर्विवाह करना अलाउड होना चाहिए अल्टीमेटली इट इज हर विश वो उसकी चॉइस है उसकी choice है। वो चुनेगी उसको करना है या नहीं करना है बट अलाउड होना चाहिए समाज में ठीक है तो कोई सावित्री बाई पर ऐसे कंपल्शन नहीं था कि आप जाइए और शादी कीजिए क्योंकि ज्योतिबा फुले की डेथ हो गई है उनकी मर्जी नहीं किया उन्होंने सो गाइज आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स फटाफट से थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू आर के और कुछ कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे ओके okay, नमन थैंक यू सो मच गाइस चलिए बच्चों शुरू करते हैं ठीक है वी हैव सेवन क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंटेंट पढ़ लिया है तो आई होप हम जल्दी जल्दी कर लेंगे और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो कर दीजिए ठीक है इट आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और बच्चों अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ठीक है फटाफट से जाकर के वापस से लाइक नहीं करना है डिसलाइक हो जाता है पहला क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडिया फुले इज नॉट करेक्ट ज्योतिबा फुले द्वारा प्रचारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा थैंक यू अंजलि थैंक यू सो मच गाइज His words and actions represented a form of universal humanism. उनके शब्द और कार्य सार्वभौमिक मानवतावाद के एक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, ज्योतिबा फुले worked for a new social structure built on equality and rationality. ज्योतिबा फुले ने समानता और तर्कसंगतता पर निर्मित एक नई सामाजिक संरचना के लिए कार्य किया। बिल्कुल

बिल्कुल है ना वो ऐसा मानते थे कि मैं वेदों को भी नहीं मानता हूँ लेकिन वो उसी टाइम पे कुछ जो स्क्रिप्चर्स थी उनका एग्जाम्पल कोट करके कहते थे देखो हमारा समाज ऐसा नहीं था आर्य के आने के बाद ऐसा हुआ बेसिकली ज्योतिबा फुले का कहना था देर इज राजा राम एंड देर इज राजा बाली है ना डेकन में सो देर इज राजा राम एंड देर इज राजा बाली सो कहते थे बाली नेटिव है और राजा राम जो है वो आर्यन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आर्यन इन्वेजन थियरी में ज्योतिबा फुले विश्वास करते थे वो उनकी मान्यता है थर्ड so, है? है ना उन्होंने कोई अपना धर्म चेंज नहीं किया वो हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फुले हाईली एक्लेम्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है पहला अनुसूचित जातियों का उत्थान, पीपल गरीब लोगों का पुनर्वास एजुकेशन ऑफ वुमेन महिलाओं की शिक्षा एजुकेशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन झुग्गी के बच्चों की शिक्षा इजी है ऑप्शन थ्री गाइस, वेरी गुड यस yes, रवि बिल्कुल सही लिखा है आपने एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्वेश्चन का महिलाओं की शिक्षा यस 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 एजुकेशन ऑफ़ द वुमेन बिल्कुल सही है, है ना एजुकेशन ऑफ द वुमेन इनफैक्ट वो फर्स्ट फीमेल एजुकेटर ऑफ इंडिया थी है ना पहली महिला शिक्षिका जो है वो ज्योतिबा जो, फुले की वाइफ और सावित्रीबाई फुले जो खुद अपने आप में एक समाज सुधारक थी वो हैं यहां पे मुझे एक पॉइंट बताना है आपको बताती हूँ थोड़ी देर में बच्चों ये पॉइंट पहले नोट करो एक बार ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है हो सकता है आप किसी एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये काम आ जाए ठीक है ये आपको काम आ जाए पहला सावित्रीबाई फूले, सावित्री फूले की कुछ बुक्स हैं ठीक है सावित्रीबाई फुले की कुछ बुक्स हैं जैसे कि उन्होंने काव्य फुले करके एक बुक लिखी भवन काशी सुबोध ठीक है बावन काशी सुबोध रत्नाकर ये जो किताब है ये भी इन्होंने लिखी है और एक और पोयम है उनकी गो गेट एजुकेशन जिसमें वो अनटचेबल्स और वुमेन को कह रही है गो गेट एजुकेशन या फिर बावन काशी सुबोध रत्नाकर या फिर काव्य फूले ये सारी किताब सावित्री बाई फूले की है आपको ये याद रखना है और 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो है उसको रीनेम किया गया सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी के नाम से है ना सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से एंड इनफैक्ट

सावित्री बाई फुले के बारे में बचो एक बात बताई थी आपको डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर कमीशन जो आया लॉर्ड रिपन के टाइम पे है ना लॉर्ड रिपन जब वाइस रॉय थे तो एटीन एटी टू के अंदर उन्होंने हंटर कमीशन बिठाया था कोई मुझे बताएगा हंटर कमीशन का पर्पस क्या था लीगल फॉर्म में शुभम आई एम सेइंग इन अ लीगल मैनर ठीक है लीगल मैनर में कोई शिक्षिका थी तो वो सावित्रीबाई बाई फूले थी पहले ये बताइए हंटर कमीशन जो है ये किस पर्पस से बिठाया गया था सो so, अनुज कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा बच्चों देखो अगर आपको याद हो है ना तो मैंने आपको बताया था कि वुड्स डेस्पेच आया था 1854 में जब डेहलाउजे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इस वुड्स डेस्पेच ने कहा था कि आपको वुड का जो घोषणा पत्र आया था 1854 में है ना वुड्स डेस्पेच ने कहा था कि आपको एजुकेशन के ऊपर स्पेशली जो प्राइमरी एजुकेशन है जो मास एजुकेशन है उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि वरना सरकार क्या कर रही थी 1813 में एक लाख रुपया सालाना एजुकेशन पे खर्च करना कहा गया 1823 तक तो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जाए इंग्लिश एजुकेशन पे हिंदी एजुकेशन पे या वर्नाक्युलर एजुकेशन पे या फिर आ, आ, ट्रेडिशनल लर्निंग ग्रामर रिलीजन वही पढ़ाएं या मॉडर्न एजुकेशन साइंस है सोशल साइंसिस है ये सब पढ़ाएं

इस इंडिया कंपनी का ये काम बनता है कि आपको मास एजुकेशन की आम जनता की प्राइमरी एजुकेशन की गारंटी लेनी होगी काम करना होगा तो वुस्पेज ने जो कहा था कि मास एजुकेशन पे प्राइमरी एजुकेशन पे काम कीजिए उस पर कितना काम हुआ है आप पता करो तो हंटर कमीशन ना जा जाके जगह जगह पे सुनवाई कर रहा था तो ऐसी एक सभा के अंदर जहां पे लोगों को बुलाया गया था सजेशन के लिए वहां पे आपके जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको कंपलसरी कर देना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक शिक्षा है उसको कंपलसरी कर देना चाहिए और साथ ही साथ में क्या करना चाहिए साथ ही साथ में जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो फीमेल हैं जिनको अभी तक एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं था उनके लिए हमें फीस भी माफ कर देनी चाहिए उनके लिए हमें एजुकेशन में फीस माफ कर देनी चाहिए और एजुकेशन को उनके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए ओके 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 बिल्कुल अनुज एक 1920 में भी आया है ना? एक 1920 में भी आया बिल्कुल तो ये याद रखिएगा कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं ये क्वेश्चन देखिए द बॉम्बे ब्रांच ये क्वेश्चन कीजिए तब तक द बॉम्बे ब्रांच ऑफ द सत्यशोधक समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अच्छा ओके ओके अनुज बच्चों इसका आंसर कीजिए चलो मैं बता देती हूँ ठीक है मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ बस मेरा कहने का मतलब इतना था कि सत्यशोधक समाज 1873 में जब बना था तो पुणे में इसके हेडक्वार्टर्स खोले गए थे बाद में इसकी ब्रांचेस भी बनी और इस ब्रांचेस के अंदर ये सारे लोग इन्वॉल्व थे ठीक है ये सारे लोग इन्वॉल्व थे रमैया वेंकैया नरसिंह राव साबू जया यलप्पा एंड बालोजी ये सब लोग इंक्लूडेड थे बॉम्बे ब्रांच से जुड़े हुए लोग हैं ये तो आपको आज का काम क्या है आप इसको नोट कर लेना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको एग्जाम में काम आएगी ये ठीक है ठेके? ये आपको एग्जाम में काम आएगी और जैसा कि मैंने आपको बताया था दीन बंधु दीन बंधु ये जो न्यूज़पेपर है सत्यशोधक समाज की जो वॉइस था उसका माउथ पीस था वो कृष्ण राव भालेकर ने शुरू किया था जो खुद माली कास्ट से आते थे ठीक है जो खुद माली कास्ट से आते थे ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाँ वो तो है रानू पर कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी है ना इसीलिए मैंने वो आंसर आपको बता दिया डोंट नो ना हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा ही है थोड़ा सा कृष्ण राव भाले का ठीक है चलिए ये क्वेश्चन देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बच्चों आपके पास समय बहुत कम है पांच मिनट है फटाफट कीजिए

ज्योतिराव फॉर्म द सत्यशोधक समाज विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरेटिंग द लोअर कास्ट ज्योतिराव ने निचली जातियों को मुक्ति दिलाने के मुख्य उद्देश्य से सत्य शोधक आई थिंक सम स्पेलिंग मिस्टेक एनीवेज वेज सत्य शोधक समाज का गठन किया क्या लगता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ओके सो आई हैव गॉट करेक्ट आंसर आई हैव गॉट करेक्ट आंसर फ्रॉम अरुण रानू रवि सो बच्चों आप में से जो भी लोग है ना बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है मेरी बात को ध्यान से सुनिए सती प्रथा के बारे में मैंने आपको बताया था कि राजा राममोहन रॉय ने भी कहा कि हमारे शास्त्रों में भी इसको सपोर्ट नहीं किया गया है बट राजा राममोहन रॉय एट द सेम टाइम कहते थे अगर शास्त्रों ने इसकी स्वीकृति दी भी होती तो भी हमें अपनी रेशनेलिटी अपनी तर्क जो है ना तीसरा ज्योतिराव फुले जो है सत्यशोधक समाज उन्होंने बनाया लोअर कास्ट के लिए अभी पढ़ा हमने अब बात करते हैं कि दूसरा क्यों गलत है दूसरा गलत क्यों है बच्चों यंग बंगाल मूवमेंट जो है मैंने कहा था काफी रेडियकल था Henry De वाला, वाला, Henry De जो है, उसने हमारे जो भी पिछड़े हुए ट्रेडिशन है सुपरस्टिशन्स है कस्टम्स है उन सब का विरोध किया बट एट द सेम टाइम उन्होंने डिरेक्टली वर्ना सिस्टम को कभी भी टारगेट नहीं किया वर्ना सिस्टम को डायरेक्टली कभी टारगेट नहीं किया बिल्कुल जो कस्टम्स थे ट्रेडिशंस थे जो बुराइयां थी है ना सुपरस्टिशंस थे उनको किया पर सिस्टम को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया उन्होंने ठीक है तो ऐसा नहीं है कि वर्णा सिस्टम खत्म करो वो कह रहे थे जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करो कास्ट की प्रॉब्लम हैिटी की प्रॉब्लम है उस सबको ओके चलिए In 1927 उन्नीस सौ 1927 में महाराष्ट्र में महारत की शुरुआत किसने की थी महात्मा गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ज्योति बा फुले महारत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है मुझे एक केवल आंसर करेक्ट मिला है अभी तक दो तीन ठीक है सो यू शुड नो बी आर अंबेडकर जो है वो महार सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं महार सत्याग्रह किस पर्पज से था फटाफट बता दो एग्जैक्टली exactly, जिन्होंने डी किया है वो ये बता दीजिए ज्योतिबा फुले 1927 तक थे भी है ना 1890 में तो उनकी डेथ ही हो गई थी ज्योतिबा फुले क्यों कर रहे हो आंसर यस yes, पानी पीने के लिए तो बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार महार सत्याग्रह है महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर बी आर अंबेडकर भीम जी है ना भीमराव रामजी अंबेडकर जो हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया और इसका पर्पस क्या था इसको देखो एक और चीज इसको चावदार काले सत्याग्रह भी कहते हैं यह भी आपको याद रखना है इसका पर्पस क्या था इसका पर्पस था कि जो जो जगह है महाड़ आजकल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है वहां पे एक पब्लिक टैंक था ठीक है एक पब्लिक टैंक जो है उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया उन उस टाइम पे क्या होता था कि पब्लिक टैंक में जो दलित हैं उनको पानी पीने तक अलाउड नहीं था तो महाड़ सत्याग्रह में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महाड़ जो जगह है महाराष्ट्र में वहां पे एक पब्लिक टैंक जो है वहां पे वो एक सत्याग्रह लेके गए और लोगों को कहा इससे पानी पीजिए और यहाँ का पानी यूज करो आप सबको अधिकार है अनटचेबल्स को भी अधिकार है और इसकी डेट क्या है ट्वेंटी मार्च नाइनटीन 20th मार्च 1927. 1927, 20 मार्च को सोशल एम्पावरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी एग्जाम में काम आ जाएगी आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट एंड बैकवर्ड फॉलोइंग इनमें से किसका जो एम है वो था कि लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका उनका उत्थान करना उनका इमेंसिपेशन उनका सशक्तिकरण है ना उनका उद्धार करना प्रार्थना समाज का सत्यशोधक समाज का सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का या रामकृष्ण मिशन का और मुझे फटाफट से इनके इनसे जुड़े हुए लीडर्स का नाम भी बता दो। सत्यशोधक का तो आपको पता है है ना? सत्यशोधक का तो ठीक है गोविंद है ज्योतिबा हैं सावित्रीबाई है मेन सावित्री मेन नाम ये है ठीक है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का रामकृष्ण मिशन का और प्रार्थना समाज से जुड़े हुए लीडर्स का नाम बता दीजिए और साथ में आंसर भी बच्चों देखो इसका जो करेक्ट आंसर है है ना इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वन टू एंड थ्री क्यों क्योंकि देखो ये सब लोग जो है ये लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से पेरियार जुड़े हुए हैं है ना ईवी रामास्वामी नायकर जो है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर या जो पेरियार है वो जुड़े हुए हैं आपके रामकृष्ण मिशन फटाफट बताइए रामकृष्ण मिशन से कौन जुड़ा हुआ है सागर तो गलत लिख रहे हो प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग है एम जी हैं है ना प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग जो हैं वो जुड़े हुए हैं एम जी जुड़े हुए हैं सो so, प्रार्थना समाज भी एजुकेशन के लिए फीमेल्स के लिए है ना कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रिलीजियस रिफॉर्म के लिए लड़ रहे थे सत्यशोधक समाज भी इसी के लिए बनाया गया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी इसी के लिए बनाया गया था रामकृष्ण मिशन बेसिकली है ना रामकृष्ण मिशन जो है वो ज्यादा रिलीजियन की तरफ था यस yes, बिल्कुल प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग उनसे जुड़े हुए हैं रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंदा जुड़े हुए हैं यस गाइज वेरी गुड सेल्फ रिस्पेक्ट से रेस्पेक्ट सेवामी नायकर या पेरियार जुड़े हुए हैं अब देखो आपको ना इसमें थोड़ा सा मैं एक ट्विस्ट बताती हूँ इस क्वेश्चन में जो बी आंसर किया है और ए आंसर किया है मुझे थोड़ा सा डाउट है मुझे चेक करना है क्यों मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था वन टू एंड थ्री यही आंसर होना चाहिए बट मैंने कहीं कहीं पे जब चेक किया तो उसका आंसर टू और थ्री भी आ रहा है शायद वो इसलिए टू और थ्री कह रहे हैं क्योंकि सत्यशोधक समाज जो है वो और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है प, आ, पेरियार का ये सीधा सीधा लोअर कास्ट के लिए काम कर रहे थे इनका ये मोस्टली कास्ट बेस्ड मूवमेंट थे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट सत्यशोधक समाज ये लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशली काम कर रहे थे समाज वहीं पे जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कास्ट कास्ट के के साथ 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 में है ना बतायान टू एंड थ्री रामकृष्ण मिशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो है वो मोस्टली रिलीजन की तरफ ओरिएंटेड था वो मोस्टली रिलीजन की तरफ था कास्ट से उसका ज्यादा लेना देना था नहीं ओके okay? बिल्कुल बिल्कुल अनुज इसीलिए इसीलिए मैंने 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 आंसर आंसर को को किया किया किया? है, है ना? मैंने को 1, 2, 3 किया है। so, ना और और क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 और 3 मैं मानती हूं डेडिकेटेड थे लोवर और बैकवर्ड कास्ट के लिए बट एट द सेम टाइम प्रार्थना समाज भी काम कर रहा था बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए सो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर शुड बी वन टू एंड थ्री चलिए हाँ हाँ मैंने बताया ना रिलीजन फीमेल कास्ट सबका काम कर रहे थे वो प्रार्थना समाज बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर शुड बी एंड क्वेश्चन नंबर ये देखिए हु फाउंडेड द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की किस स्थापना किसने की थी महात्मा गांधी जी ने बी आर अंबेडकर ने ई पेरियार ने या ज्योतिराव फुले ठीक है दिस इज क्लियर हमने भी पढ़ा है है ना एंटी एंटीटचेबिलिटी एक महात्मा गांधी ने एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो महात्मा गांधी जी ने अच्छा मुझे फटाफट बताओ कब फॉर्म की गई थी ये जल्दी से बता दो बच्चों फिर खत्म करते हैं सेशन को प्लीज पूना पैक्ट पूना पैक्ट के बाद में है ना आपको याद होगा 1932 में पहले जनवरी में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में अगस्त के महीने में कम्युनल अवार्ड जो है वो आता है राम से मैकडोनाल्ड का जहां पे जो अनटचेबल कास्ट है दलित हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है फिर सितंबर में पूना पैक्ट होता है क्यों होता है पूना पैक्ट क्योंकि कम्युनल अवार्ड जो आया था अगस्त 1932 में उसके बाद गांधी जी यवदा जेल में थे पुणे के अंदर और वो फास्ट अन्टू डेथ करने लग गए थे कि ये सही नहीं हो रहा है तब सितंबर में पूना पैक्ट हुआ मदन मोहन मालवीय हिंदुओं की तरफ से थे और बी आर अम्बेडकर दलित की तरफ से जहां पे कहा गया सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं आ, 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 लागू करेंगे हम चाहते हैं दलित के लिए जो सीट है उसको बढ़ा दिया जाए तो टोटल सीट जो है ऑलमोस्ट डबल कर दी गई थी रिजर्व सीट और इसके बाद में गांधी ने सेप्टेंबर नाइनटीन में जेल से ही ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है उसको शुरू किया और हरिजन सेवक संघ जो है वो भी ओके गाइस इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर अब यहां पे मैंने आपको सुपर कोचिंग के फीचर्स बता दिए हैं इफ यू वांट टू परचेज द कोर्स बच्चों आप कोड यूज कर सकते हो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा बाकी वी विल कंटिन्यू टुमारो ठीक है विल कंटिन्यू टुमारो यहां पे दूसरी क्लास क्लासे मैंने रिक्वेस्ट किया था फाइव मिनट्स हो गए थैंक यू सो मच